हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल आचार्य क्लासेस। वेलकम टू ऑल। आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल आचार्य क्लासेस। Today we will discuss the notice for all classes. The question is, what is notice? A notice is a piece of writing specially written for a particular purpose to draw the attention of concerned group of people. Notice जो होता है वो written format में होता है। सबसे पहली बात, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्यों होता है? इसका इस्तेमाल होता है जब हमें किसी group of people को information देनी होती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नॉर्मली इसे इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? स्कूल्स में, कॉलेजेस में और ऑफिसेज में। नोटिसेस आर टू बी पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड्स ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑफिसेस। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेस में काफ़ी संख्या में लोग होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो स्टाफ हो। नोटिस हैज़ इट्स ओन फॉर्मेट। नोटिस का अपना एक फॉर्मेट होता है। सब कैसे होता है? सबसे पहले आपको कॉलेज का या अपने स्कूल का नाम लिखना होता है, एंड जस्ट आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नोटिस, एंड देन इन द लेफ्ट साइड यू विल हैव टू राइट द डेट, ऑन विच डेट यू आर राइटिंग द नोटिस। देन इन द सेंटर यू विल हैव टू राइट अ टाइटल ऑफ द नोटिस। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आई हैव रिटन अ एग्जांपल। यू आर Anshuman, member of your school's cultural club. The in charge of this club has asked you to draw a notice for a school notice board inviting the students to give their names for a fancy dress competition. चलेगा। So सबसे पहला जो लिखा हुआ है AO Senior Secondary School, स्कूल का नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। आप चाहें तो इसको डार्क थोड़ा कर सकते हैं। Then you will write the notice just after the school name. Then in the left corner you will write the date. डेट इसी फॉर्मेट में होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप जनवरी के बाद डेट लिखिए 03 और 2022, जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे आप लिख सकते हैं। जस्ट आफ्टर इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स यू विल राइट द टाइटल ऑफ द नोटिस, देन यू विल राइट द कंटेंट। अब आप बताएंगे स्टूडेंट्स को कि नोटिस है किस बारे में। द कल्चरल सोसाइटी ऑफ आर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेज ऑन द ओकेजन ऑफ लोहरी सेलिब्रेशन। आप बता रहे हैं उनको कि जो हमारे स्कूल की कल्चरल सोसाइटी है वो एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रही है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन क्यों कर रही है? ऑन द ओकेजन ऑफ लोहरी सेलिब्रेशन। और आगे क्या बताना पड़ेगा हमें? आगे, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, वो जो इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना, उन्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, शुड गिव देयर नेम्स, उन्हें अपने नाम देने हैं। किसे देने हैं? टू द इंचार्ज ऑफ द क्लब, मिस्टर पंकज गर्ग। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने अपना नाम लिख दिया है टू ऑफ द क्लब मिस्टर पंकज गर्ग और टू द अंडरसाइन। मतलब किसको देना है नाम? या तो क्लब के इंचार्ज को दे दीजिए आप, या अंडरसाइन जिसने नीचे साइन किया हुआ है उसको भी अपने नाम आप बच्चे दे सकते हैं। और कब तक दे सकते हैं? बाय जनवरी 10। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद आप लेफ्ट कॉर्नर में ठीक जहाँ पर नाम लिखा हुआ है अंशुमन, उसे ठीक ऊपर सिग्नेचर करने होते हैं। किसको से करने होते हैं? जो नोटिस को लिख रहा है, अंशुमन लिख रहा है तो अंशुमन के सिग्नेचर होंगे। जस्ट आफ्टर दैट यू विल राइट योर नेम एंड द योर, जैसे कि आपने बताया गया मेंबर ऑफ कल्चर क्लब, आप इसे लिखेंगे। और द मेन थिंग अबाउट द नोटिस इज कि नोटिस को हमेशा बॉक्स में रखना होता है। जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, ऐसे बॉक्स में नोटिस को रखना होता है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही हमारा और आपका अपना यूट्यूब चैनल आचार्य क्लासेस सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम नई वीडियो डालें तो आपको पता लग जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।